श्रीलंका अब दिवालिया हो चुका है, जिसके साइड इफेक्ट्स हमने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने आजादी के बाद का सबसे गंभीर संकट पैदा हो गया है, और यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप कुछ फैक्ट से लगाइए। जरा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई की दर 17% को भी पार कर चुकी है, और ये पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में डॉलर के मुकाबले 46% से ज्यादा कम हो चुकी है। मार्च में श्रीलंका में एक डॉलर की कीमत 201 श्रीलंकाई रुपए थी, जो अब 318 श्रीलंकाई रुपए पर आ चुकी है। श्रीलंका के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल 35 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो एक साल में बढ़कर अब 51 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के पास पैसों की इतनी भारी कमी हो चुकी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को अपने पास रखे जो गोल्ड रिजर्व थे उससे आधे बेचने पड़ चुके हैं। श्रीलंका की केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में करीब 6 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3 टन सोना बेचा गया है। पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके श्रीलंका की यह हालत हैरान कर देने वाली भी है, क्योंकि 2 साल पहले तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले साल 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था, लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई और अब पाताल में धस चुकी है। और ये कैसे हुआ इसे भी आपको समझाते हैं। साल 2018 में जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 7 अरब डॉलर था, वो फरवरी 2022 में गिरकर करीब 2 अरब डॉलर रह गया है। श्रीलंका सरकार ने मार्च 2020 में विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टे विदेशी आयात पर बैन लगाने की वजह से श्रीलंका में जरूरी सामान की कमी हो गई। अपनी बुनियादी खाद्य आपूर्ति जैसे चीनी, डेयरी उत्पाद जो हैं, गेहूं और दवाओं की डिमांड को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने जब विदेशी आयात पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया, वो रासायनिक खाद की कमी हो गई, जिसके बाद सरकार ने पूरे श्रीलंका में जैविक खेती को अनिवार्य बना दिया। रातों रात रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की तरफ रुख करने से खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का कृषि उत्पादन जो है वो आधा रह गया। अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो कीमतें बढ़ती हैं। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। विदेशी आयात पर प्रतिबंध और जैविक खेती जो थी उसकी वजह से सामान की कमी हुई और कीमतें इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं कि अब वो कंट्रोल से बाहर होती नजर आ रही हैं। आर्थिक आपातकाल की नौबत अब वहां आ चुकी है, और ये आफत अब कैसे श्रीलंका के लोग इससे निपटेंगे, कैसे पार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मौजूद आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने महसूस किया है कि किस तरीके की दिक्कतें वहां पर हैं, और एक रिपोर्ट भी भेजी है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं कोलंबो के एक सुपरमार्केट में आया हूँ, छोटे से सुपरमार्केट में। बाहर पेट्रोल पंप पे जो हमने देखी तस्वीरें कि वहां पर गैलन रखे हुए हैं, लोगों को कल रात से तेल नहीं मिला हुआ है, कई सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, पुलिस तैनात की गई, आर्मी तैनात की गई है। अब यहां पर सबसे ज्यादा सुपरमार्केट में जो किल्लत हमने देखी वो है बच्चों के दूध की, मिल्क पाउडर, फ्रेश दूध की सप्लाई तो कई दिनों से नहीं आई है। ये जो रैक वाले हिस्से होते थे, यहां पर बच्चों का दूध होता था, लेकिन अब वो नहीं है, पूरा का पूरा रैक खाली है। घरों में अंडों की जरूरत होती है सुबह, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब ज्यादातर आप जो देख पाएंगे या तो कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ कॉफी पाउडर, चूंकि कॉफी यहाँ ये उत्पादक है श्रीलंका है, और दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं दूसरी चीजें हैं। लेकिन सबसे इसेंशियल जो चीजें होती हैं, चाहे दूध हो या फिर दवाइयों का रैक हो, इन दवाइयों के रैक पर हमें बताया गया कि यहाँ इन्होंने साबुन शैम्पू रख दिए हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सबसे जरूरत क्या है किसी इंसान के लिए, वो है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और उसकी भी किल्लत हमें इन्होंने बताया कि जो पीने के पानी है उसकी सप्लाई, जो बॉटल्ड वाटर आता है वो भी नहीं आ रहा है। सो व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड, हाउ, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अंडर द क्राइसिस हियर? डू यू हैव इनफ स्टॉक ऑफ वाटर, मिल्क, मेडिसिंस? चीज, ओके, चीज, बटर, एग्स, फ्रेश मिल्क, ओके, या
चिल्ड्रंस आइटम्स ऑल्सो फ्रूट्स ऑल्सो दीज आर नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक नाउ. फल बहुत कम है यहाँ पर बचे हुए हैं, नया स्टॉक नहीं आ रहा, यानी जो कुछ भी बचा हुआ है जो 10 दिन पहले आया वो स्टॉक अब बिक रहा और वो दिख भी रहा, धीरे धीरे खराब होता जा रहा. बच्चों के खाने पीने की चीजें नहीं है, अंडा नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, पीने का पानी अगर नहीं है तो आप इसे समझ सकते हो. और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये रसोई गैस के सिलेंडर है, रिफिल होने के लिए आए हैं. किसी स्टॉक पर इतने ज्यादा सिलेंडर खाली नहीं पड़े हो सकते, अंदर बाकी तालों के पीछे भी है. इससे पता चलता है कि रसोई किस तरह लोगों की प्रभावित हुई है, क्योंकि गैस जो है सिलेंडर जो है उसमें गैस नहीं भरी जा रही है, सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित है. अब डीजल पेट्रोल अगर नहीं होगा तो सप्लाई जाहिर है प्रभावित होगी उससे ही, और इसी के चलते पूरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक आम आदमी की जिंदगी श्रीलंका में बदहाल हो गई है. अब आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाय तो बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका में चाय की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं. यहाँ की जो मुद्रा है उसके मुताबिक एक कप चाय के लिए पहले आपको 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे, और अब 70 से 80 रुपए तक. तो हमें छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहाँ चाय बन तो रही है, पीने वाले भी आ रहे हैं. अब चक्कर यह है कि दूध वाली चाय और बिना दूध वाली चाय दोनों के जो कीमतें हैं उसमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. तो पहले अभी हमें लोगों ने जो बताया, ज्यादातर सिंगली बोलने वाले लोग हैं, कुछ तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले एक कप चाय के लिए जो दूध वाली चाय थी उसके लिए 30 से 40 रुपए देने पड़ते थे, और बिना दूध की चाय जो काली चाय होती थी उसके लिए 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे. अब वो 50 से 60 और 60 से 70 तक पहुंच गया है. हाउ मच वी चार्जिंग फॉर अ कप ऑफ टी नाउ? 80 रुपीज. एंड हाउ मच इट वॉज बिफोर? Before this financial crisis, how much it was? 50 rupees. So 50 से 80 रुपए. तो उन्होंने बताया कि ये देखिए इस तरह की बढ़ोतरी हो गई, और उसका असर जाहिर है खाने पीने की चीजों पर भी है, क्योंकि जो सप्लाई है जिन जरूरत की चीजों की जो यहाँ पर पहुंचना चाहिए, जब पूरा जो तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ा है इस आर्थिक तंगी के चलते, तो खाने पीने की चीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी है. और सबसे ज्यादा जो जनता परेशान है किल्लत से, इतर वो की जो चीजें मौजूद हैं उनकी कीमतों में कहीं पर 50 से 60 फीसदी, तो कई सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फिलहाल जीने के लिए, जिंदगी के लिए जो जरूरतें पूरी करने के लिए आदमी का खर्चा है वो श्रीलंका में कितना बढ़ गया, और इसी वजह से विरोध सरकार का हो रहा है. कोलंबो में दिव्यन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक.